तो गाइस गुड मॉर्निंग, नए व्लॉग में आप लोग का फिर से वेलकम है। और आज मेरी आवाज ऐसा लग रहा होगा, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी लग नहीं रहा है, सच में तबीयत खराब है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, सह लेंगे थोड़ा सा। रात को बहुत ज्यादा हो गई उसके कारण तबीयत खराब नहीं है। बहुत ज्यादा आइस डाल दिया था ग्लास में यार, पूरा नाक बैठ गया, अनु मलिक बन चुका हूँ पूरा, अनु मलिक। तो गाइस आज के व्लॉग में फुल बकर होने वाली है। वो मेरे दो दोस्त नहीं है, राजू और विजू, वो लोग गए थे बाहर, वो लोग आ गए वापस, मेरे को भी फोन किया, क्या बोलते हैं आज पिक्चर चलेंगे। मैं बोला अच्छी बात है भाई, ओ माय गॉड 2 लगी है शायद, चल वही अली चलने की बात कर रहे हैं लोग। क्या बोलते हैं, नहीं भाई गदर चलेंगे। मैं गदर पिक्चर, ओ माय गॉड के सामने ये लोग गदर डिसाइड कर रहे हैं। मैं बोला नहीं भाई ओ माय गॉड 2 चलेंगे। तो क्या बोलते हैं, आज हम लोग गदर चलेंगे, कल हम लोग ओ माय गॉड 2 चल लेंगे। अच्छा तो ये लोग तो पागल हो चुके हैं गदर के लिए, आज हम लोग जाएंगे गदर पिक्चर। अब देखो मैं तो फुल नाव आगे रेडी हो गया हूँ, वो लोग भी वहां पर वेट कर रहे हैं मेरा, मैं निकल रहा हूँ अभी अभी, उनको उठाता हूँ, फिर जाएंगे मॉल, वहां पर देखेंगे पिक्चर गदर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये राजू लोग ने गदर पिक्चर क्यों डिसाइड किए, क्योंकि राजू खुद सनी देओल का बहुत बड़ा फैन है, दिन भर उसकी मिमिक्री करता रहता है दिन भर। आज वीडियो में दिखाऊंगा मैं आप लोग को क्या गलती करता है वो सनी देओल के नाम पे। निकल रहा हूँ फट से, आवाज भी बैठी हुई है, थोड़ी दवाई वाई लेके जाऊंगा वरना पता चला एड्स हो गया। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा 1% भी मन नहीं है गदर 2 देखने का, मेरा मन है ओ माय गॉड का। इन चूतियों के चक्कर में मेरे को जाना पड़ रहा है, निकलते हैं वरना लेट हो जाएगी, बारिश का मौसम जैसा दिख रहा है। और ऊपर से एक नया कांड हो गया है, पप्पा BM लेके गए हैं, करी क्रेटा लेके गए हैं, और मैं जाऊंगा गरीब टाइप का बुलेट में। यार ये मतलब एकदम साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्या बोलूं मैं। चले चले चलो, चला ले तू ही चला ले, टोपी उड़ जाएगी मेरी, टोपी उड़ जाएगी। एकदम राजू बन गया, जेंटलमैन लग रहा है क्यों राजू, ये राजू की दुकान है, छोड़ के चल रहे हम लोग कहाँ, कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो हम लोग गदर देखने जा रहे हैं, सिगरेट लेकर आ गए ना, देखो सिगरेट लेकर आ गए, अरे मारेंगे मॉल वाले पता है आपको। खत्म कर दो यहीं, दोनों यहीं खड़े होकर पी के खत्म कर दो। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, मैंने देखा फिर इसकी एक्टिंग निकल जाती है ना, देखे ना क्या किया अभी। अरे सेम कलर, मैचिंग मैचिंग, तू और मैडम सेम कलर पहने, मैचिंग मैचिंग। ये लोग बात कर कर आए ना, बोले मैं ये कलर पहनूंगा, तू भी ये कलर पहनना। बेटा तुम्हारा प्यार अनोखा रहता है, मैं देखा हूँ मैचिंग है, और कुछ मैचिंग है ना, वो भी अंदर से व्हाइट पहनी मतलब। बहुत भीड़ थी लेकिन भाई मूवी में, है ना? हाँ भाई बहुत बहुत, पूरा मूवी नीचे तक भरा हुआ है, नीचे तक क्यों? हाँ पूरा हाउसफुल है, नींद आ रहा है। नहीं नहीं, ये फर्स्ट पार्ट जो था ना ये बाबू भैया का था, और सेकंड पार्ट जो इसका चालू होने वाला है वो बाबू खेमानी का है। अरे कहना क्या चाहते हो, सेकंड पार्ट मतलब अच्छे से बोलना, इंटरवल की बात वाला पार्ट, हाँ मैं उसको सेकंड ही बोलता हूँ ना, नहीं बोला करो ना अच्छे से, सुनना दिमाग खराब मत कर, छेदा कर दूंगा उठा के तेरे, इतना खटारा बाजार से आप खराटे, कौन ही खराटा, बहुत खराटे लेता है भाई साहब, मैं तो कुछ भी नहीं लेता, ये इतना ले रहा था, इतना ले रहा था, क्या सामने वाला बंदा बोलता है कि इसके मुंह में लंडा फसा के जाऊंगा मैं। कौन कौन खराटे लेता है ईमानदारी से बताओ, ये मैं भी, तू भी, अपन तीनों, अपन तीनों, अपन तीनों दबा के लेते हैं पता, खराटे पीछे ले आए, समझ रहे लड़की बैठा है सामने, क्यों अरे दादा रे, है ना आप लोग समझ रहे लड़की बैठे है, अब आप सोच रहे हो कटवाले में बाल, शुक्र करो हमने, मैंने ऐसे वर्ड बोल दिया, नहीं तो भैया लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। हां बेकार है भैया, हमने तो टूट गया, एक चिकन टिक्का सैंडविच, एक पॉपकॉर्न, बड़ा वाला पॉपकॉर्न देना ना, एक रेड बुल भी दे दो, ऐसा मस्त फ्लेवर डाले ना, पूरा 1000 हो गया पूरा, बाप रे 160 रुपए की टिकट तीनों की मिला करके, और 1000 को नाश्ता कर लिया हम लोग, रोड पे आ जाएंगे बेटा, ऐसे हम लोग रोड पे आ जाएंगे सीधा। लेकिन सनी पाजी के लिए बनता है, सनी पाजी के लिए बनता है ना, सनी पाजी के लिए 1000 नहीं, अगर 5000 का भी होता ना तो भी बनता है। J11 बहुत महंगा हो गया, लेकिन क्यों नाश्ता 1000 रुपए का नाश्ता कर लिए, 1000 का हमारा बिल हो गया, पाव वाली तीनों को दे देती हूँ 1000 रुपए में, क्यों भारी मिस्टेक हो गया सर। चलो भाई चलो चलो गाइस, मूवी हो गई हमारी फिनिश, मूवी थी 1 नंबर, फुल बकर मतलब अच्छा था, हमको तो स्टोरी तो देखो ऑलमोस्ट सब लोग गैस कर लिए होंगे। राजू सर जी आइए, डायरेक्टर सर कहाँ है आप? मैं इधर इधर हूँ इधर। मूवी कैसी थी? मूवी बहुत अच्छी थी, 22 साल पहले का याद दिला दिया है मूवी ने, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, राजू की एक्टिंग निकल रही बराबर बाहर, बाप बेटे का रिश्ता जो दिखाया गया है वो इसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है, और एक से एक डायलॉग तो फिल्म के अंदर में, कैसे आजादी चाहते हैं आप लोग, अरे दादा रे, इसमें डायलॉग दिखाए गए
वो ढूंढ रहा है तेरे को सब वाला कौन चिल्लाया, सब ढूंढ रहे तेरे को कौन चिल्लाया, पूरा मॉल देख रहा है ना कौन चिल्लाया। रुक जा, जिस टाइप का तू चिल्लाया ना, हाँ आ जा, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ राजू, मूवी 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 के बारे में बता। फिल्म के अंदर में डायलॉग बहुत जबरदस्त थे और सनी पाजी की जो चाल थी वो बड़ी जोरदार थी। जब वो आते हैं ना उनको पकड़ते करके ऐसे करके, किससे आजादी चाहते हैं हम लोग, तो ये जो डायलॉग जो था फिल्म का बड़ा मजा आया मेरे को भाई। चल गया मारे के लोग जिस टाइप का चिल्ला रहे ना, और देखो सब, और देखो सब कैसे देख रहे हैं हमको, इतने बड़े सेलिब्रिटी हम लोग बन गए, सब देख रहे हैं हमको। जिस टाइप का तू चिल्ला रहा है ना, एक एक मॉल का चौकीदार भी देख रहा है बता तेरे को। और जैसी बोले मारेंगे, जैसी लोग अब एक और बार चिल्ला के इनको पड़ेगी पड़ाव पे। ये देखो तीन तीन हीरो लोग, वो अभी तक पॉपकॉर्न लेके क्यों घूम रहे, रिफिल करवाना है वापस से। सैम तू जैसे चिल्ला रहा था ना, नहीं भाई फिल्म जो नहीं भाई, लेकिन पहले के हमको लोग बता दे, छाप लोग हमको मार देना, हमारी गांड में छाप बना देते बता। देखो कोई नहीं मारता भाई, कोई नहीं मारता, कोई नहीं मारता। और एक डायलॉग जो था क्या बोलता था कि यहाँ के लोगों को दोबारा मौका दिया जाए हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। पूरा 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 सैम का एक्टिंग बाहर फेंका रहा है बहुत देर से। क्यों और ये रुक ही नहीं रहे, ये रुकता ही नहीं, कैमरा देखता है ना, ये रुकता ही नहीं है। क्यों विजू भाई, हाँ ये रुकता ही नहीं है। हाँ वहाँ पे भी क्या कर रहा था ये, वहाँ तो स्लो मोशन में बैठा ही हुआ था और बैठ के सिर्फ बहुत दर्द किया है, लेकिन सैम बहुत ज्यादा। चलो अब हम रील बनाएंगे भाई, अपना इतना दूर आए हैं, एक रील तो हो जाए। रॉन्ग साइड चालू करो, रॉन्ग साइड चलाओ, रॉन्ग साइड। इतनी भीड़ थी वहां से अपन लोग रॉन्ग साइड मार कर आए, बाप रे गदर देखने के लिए इतनी भीड़, उस साइड भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक, और ये पूरे लौंडियों जैसे बाल। पिक्चर के पीछे लोग बोले ये कौन बैठ गई लौंडी आगे। पिक्चर कैसी थी पहले ये बताओ। पिक्चर तो एकदम बकवास, एकदम स्लो मोशन, वो नहीं वो तो हम बोल दिए, लेकिन इसको पीछे ले क्या बोले। अच्छा हाँ, हम लोग पिक्चर में जब बैठे थे ना, तो पीछे ले भाई साहब लोग ने उनको समझ रहे थे लड़की, और वो समझ रहे थे कि दोनों भाई लोग ने बीच में बैठा के उसको आज बजाएंगे, तो बाबा उनके गौर के ऊपर क्या बोले ये बजाएगी ऐसे ही बोले पीछे ले। अरे भैया लड़का, आवाज सुन के क्या बोल रहा है, अरे भैया ये तो लड़का है, क्या करेंगे दोनों लौंडे मिलके। तो गाइस ये लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, कल मिलेंगे अपन। कल कौन सी पिक्चर है हमारी, कल है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं पी पाएंगे राहुल भाई, फेंक दो सभी फेंक दो। तो क्या चाय लिए तुम भी, एक तो है यार ग्वाला से लिया, ऊपर से ग्वाला से लिए, ग्वाला की चाय इतनी घटिया कब से होने लगी। तो सब कुछ वाइंड अप करके मैं आ गया अपने घर, और आज जो हम लोग मूवी देखे गदर, उस पिक्चर के बारे में आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़, पहले रो तक पूरा सब भरा हुआ था, आखिरी तक पूरा भरा हुआ, इतनी सी भी जगह नहीं थी। मेरे को तो लग रहा था नीचे बैठ के लोग देख रहे हैं पिक्चर, और पिक्चर एक नंबर थी, थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन मजा आ रहा था देखने को। ऐसा नहीं कि मतलब बोर होके भाग जाए, अच्छी पिक्चर थी। उसके बाद पिक्चर में हमारे पीछे दो लोग बैठे हुए थे, वो अपना दोस्त है ना राजू, उसके लंबे लंबे बाल थे, उसको देख के क्या बोलता है कि भैया मैं वही देख रहा था, दो लड़के लोग एक लड़की को लेकर आ गए। जब राजू थोड़ा सा बोला ना, तब उनको सुनाई दिया लड़के की आवाज़ें करके, तो वो लोग क्या सोच रहे थे, दो लड़के लोग एक लड़की को दाब देंगे, उठ के हमसे बस्ती बजा किए वो लोग। इतना हंसी आ रहा था, हम लोग जाते समय निकलते हैं, क्या बोले राजू तू बाल कटवा ले, तेरे चक्कर में अपनी नहीं तेरी खुद की बेइज्जती हो रही है, समझा थोड़ी बात को, देखते हैं कल उसका हेयर कट करवा देंगे, पूरा ट्रिम करा देंगे, टकला करा देंगे। अब कल का प्लान है ओ माय गॉड 2 जाएंगे। मेरा आज ही मन था ओ माय गॉड 2 जाने का, बट लेकिन ये क्या है ना, राजू सनी देओल का फैन, इस चक्कर में ये जाना पड़ा। और मॉल में आज ने एक रील भी बनाया, एक नंबर रील है, अभी जब तो अपलोड हो गई होगी, जाके मेरे इंस्टा में देख लेना, और पुराने ब्लॉग नहीं देखे हो तो यहीं कहीं नहीं सारी होगी, तत्काल से तत्काल देख लेना। तो ये वाले ब्लॉग को यहाँ पे दी एंड करते हैं। स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।